सो पांच ऐसी ऑसम चीज़ें जो आपको हॉर्स कास्ट विलेज के बारे में जानना ज़रूरी है, इस वीडियो में आप वो सब देखने वाले हो। सबसे पहली चीज़ पता क्या? फ्री पार्किंग। दूसरी, बहुत सारे ऑसम कैफेस। तीसरी, नाइट लाइफ कैफेज के साथ। चौथी, अमेजिंग प्लेस फॉर शॉपिंग। एंड द लास्ट बेस्ट प्लेस फॉर द स्ट्रीट फोटोग्राफी। Hi everyone, welcome back to my channel. This side Sakshi Sanjal और मेरे साथ है रमन। Hi everyone, this is Raman Dhingra and ये Sakshi का channel. So Raman के लिए vlogging एक बहुत नया experience है और हम आ चुके हैं आज बहुत खास में, but Raman आज मैं shopping कराने लाया है, so आज का vlog Raman के नाम है पूरा का पूरा, so मैं करने वाली हूँ आज street style shopping. क्या बता रहे थे, क्या नाम है उसका? Sheen store. हमें ढूंढना है यहाँ पे कहाँ पे? अभी हमें नहीं पता, शीन स्टोर कहाँ पे? यहीं पर कहीं पर है बट हमें ये नहीं पता यहाँ पे कहाँ पर है, सो वी आर गोइंग टू फाइंड इट आउट, शीन स्टोर। सो गाइस जब आप एंटर कर दो ना, यू विल फाइंड सो मेनी कलेक्शंस फॉर यू नो फैशन, और भी लड़की होगा ना, और तुम्हारा प्लीज तुम्हारे टाइप की नहीं है यहाँ पे फैशन, क्योंकि मुझे सबसे मैं एंटर करी मुझे लड़कियों के फैशन दिख रहा है। श्रीन मेरा बट पहले तुम्हें श्रीन जाना है ना, आई गेस ट्राई करने के जाता है, तुम देख सकते हो। Oh my God, look at this. So we're reaching Sheen, और आपको कुछ अंदर की तरफ आना पड़ेगा तो जाके जगह आपको मिलेगी बैक साइड पे। ऑफ ये कौन सी जगह, ये क्या है तुम बताओ पहले? नहीं हॉर्स खास में, ये क्या है? ये जो सामने है ये क्या है? ये एरिया? नो दिस इज डियर पार्क के पास। यहाँ पे बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल है, दे हैव द शर्ट्स, दे हैव द क्रॉप टॉप्स एंड इवन द कॉट्स इफ यू वांट, दे हैव द पैंट्स और इसके अलावा द स्पोर्ट्स कलेक्शन इफ यू वांट। मैं कपड़ों के मामले में ज़्यादा नहीं हूँ बट दिस इज लुक गुड, दिस एक्चुअली लुक क्यूट। तो यहाँ पे उसके टाइप के कपड़े नहीं मिले। मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ, सच बता रही हूँ, बट यार मेरे टाइप के कसम से नहीं है। पहली चीज कुछ कपड़े थे एक्चुअली इसके टाइप के बट उनकी क्वालिटी इसको अच्छी नहीं लगी। क्वालिटी अच्छी नहीं लगी? तुम इतने धीरे बोलोगे तो मेरे कैमरे पे सुनाई नहीं। हम जिप्सी कैफे, जिसका जो व्यू है वो कुछ ऐसा है, बट दिन में ज़्यादा सेक्सी दिखेगा डियर पार्क का वो, बट अभी हम जा रहे हैं कोई और कैफे बिकॉज ये बहुत ठंडा पड़ा हुआ है गाइस। सो गाइस हम जा रहे हैं सोशल फाइनली खाना खाने, मैं तो आई रील वही बनाने वाली हूँ, कभी नहीं। रमन तो हमें पहले बताओ टेस्ट करके कैसा है, हाउ इज इट? मीठा है। मीठा है? ये क्या था, ये कौन सा मीठा था? तो देयर इज अ पंच ऑफ ऑरेंज, और रमन को व्हाइट सॉस बहुत पसंद है। हे भगवान, एंड पास्ता इज एक्चुअली गुड। सो हमने कुछ करी स्ट्रीट शॉपिंग और हम गए कैफ़े, और उसके अलावा हमने रोड की वाइब इन्जॉय करी, आई मीन इस जगह की, उसके बाद घर जाने। आप मुझे एक चीज़ बताओ, पूरे टाइम आप यही करते हो? हाँ ऐसे ही बुलाते हो लोगों को, मतलब स्ट्रीट बना रहे थे। एक चीज़ याद रखना कि ये लोग लिटरली क्लब के लिए कुछ भी करते हैं कि क्लब चलो आप यार, मतलब कितनी जिद कर रहा था वो बंदा। अच्छा ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो ये सही, कोई तो जाओगा कोई तो पटेगा मेरे से। सो गाइस ये लाया था ये उड़ाने के लिए, बटे फटा हुआ लालटेन जो होती है काइंड ऑफ, बट ये फट गया, फटावा निकला नहीं है। तुम ऐसा झटका मार रहे थे, झटका इतनी तेज तेज मार रहे थे जब तुम खोल रहे थे, तभी मैं तुम्हें बोला दिखा मैं करती हूँ, मैंने फाड़ दिया। So that's the guys, Diwali vibes. कैसे लगा? I guess अंकल बोर हो गए अपनी वाइफ के साथ बैठे बैठे, बट आप लोगों ने शायद घर भी डेकोरेट कर दिए होंगे अब तो। फिलहाल मैं छोटी दिवाली वाले दिन हांड रही हूँ, एंड अब तो घर जाने का टाइम है, इट्स ऑलरेडी मोर देन 10:30।